एंड दोनों ही चार्जर के अंदर को 6 मंथ की वारंटी मिलती है। एंड यहाँ पर जो पीट्रॉन, इसके अंदर को BIS का सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिलता है, बट यहाँ पर जिंक में ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे टेक्नो टीवी। एंड यहाँ पर दो चार्जर है, एक है पीट्रॉन का जो कि है 5 वॉट 2.4 एम्पियर पे, एंड यहाँ पर जो जिंक है वो 5 वॉट 2 एम्पियर पे। एंड जो दोनों की प्राइसिंग वगैरह काफ़ी सिमिलर रहती है, अराउंड 200 रुपीज़ टू 179 रुपीज़। एंड बात करें से फिजिकल ओवरव्यू अगर रखी, तो यहाँ पर जो पीट्रॉन की साइज़ है इससे थोड़ी छोटी है, एंड इसका जो ओवरऑल इसका जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू जिंक। एंड बात करें इसमें, यहाँ पर देखिए फ्रंट में दोनों में आपको ब्रांडिंग मिलती है पीट्रॉन की, यहाँ पर आपको जिंक टेक्नोलॉजीज़ की मिलती है। एंड इसके जो बैक साइड में आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इसके जो जो भी फैंक्स हैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसे कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एंड इसकी जो रेटिंग वगैरह है ये है 5 और 2 एम्पियर। एंड अगर बात करें इसकी रेटिंग की पीट्रॉन की, तो यहाँ पर आपको देखिए मिलता है 5 और 2.4 एम्पियर। तो अगर टेक्निकली बात करें तो यहाँ पर जो पीट्रॉन है ये ज़्यादा मतलब पावर आउटपुट देता है, ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू जो है जिंक। एंड यहाँ पर जो दोनों ही केबल है माइक्रो यूएसबी इंटरफेस के साथ आते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोनों के अंदर आपको माइक्रो यूएसबी का इंटरफेस मिलता है। एंड बात करें दोनों की वायरिंग क्वालिटी वगैरह की, तो यहाँ पर जो जिंक है इसकी जो वायरिंग क्वालिटी है काफ़ी मतलब रफ़ एंड टफ़ है, इसकी जो वायरिंग क्वालिटी है काफ़ी टफ है, इसका जो प्लास्टिक है काफ़ी हार्ड है ये। बट यहाँ पर आपको भी यहाँ पर इसका जो कॉर्नर पर कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं मिलता है। एंड सेम यहाँ पर आप जो इसका जो टाइप ए है यहाँ पर भी आपको देखिए कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह अच्छे से नहीं मिलता है। एंड ओवरऑल इसकी जो वायरिंग क्वालिटी है काफ़ी रगेड है, काफ़ी हार्ड है ये। अगर वहीं बात करें पीट्रॉन की, तो इसकी जो वायरिंग क्वालिटी है काफ़ी सॉफ्ट है, देखिए इसकी जो वायरिंग क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है। एंड इसका जो भी टच वगैरह है काफ़ी सॉफ्ट टाइप में ही है, बट इसका जब जो कॉर्नर पर जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसे इजीली ब्रेक नहीं होते, दोनों की जो लेंथ वगैरह है काफ़ी सिमिलर है, दोनों ही 1 मीटर्स के वायर हैं। एंड बात करें दोनों की थिकनेस वगैरह की, तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो है पीट्रॉन जो है थोड़ा सा थीक है, बट इसकी जो वायरिंग क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है। एंड यही बात करें जिंक की, तो इसका जो वायर है थोड़ा सा कम थीक है पीट्रॉन से, बट इसकी जो वायर की जो क्वालिटी है काफ़ी टफ है। तो डिसाइड आपको करना है एंड कौन सा आपको परचेस करना है। एंड बात करें इसमें एक मेजर डिफरेंस की, तो यहाँ पर जो मोस्टली जो चार्जर रहते हैं 10 वाट पे बहुत ईजिली वर्क कर जाते हैं, एंड यहाँ पर 12 वाट का आपके पास बहुत ही सा कम गैजेट हैं जो 12 वाट सपोर्ट करते हैं माइक्रो यूएसबी में, तो आपको ध्यान रखना होगा। एंड दोनों ही चार्जर से अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे, तो अगर आप समझ लें कि 0% से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फ़ोन हीट होने वाला है, मतलब ज़्यादा हीट हो नहीं होगा बट एक मीडियम हीट होता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल चार्जर्स जो आपको बॉक्स के अंदर मिलता है कंपनी में। बट यहाँ पर जो पीट्रॉन है ये BIS सर्टिफिकेशन के साथ आता है, बट यहाँ पर जिंक के अंदर आपको BIS सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता है। एंड दोनों ही चार्जर के अंदर आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है। एंड यहाँ पर जो पीट्रॉन, इसके अंदर आपको BIS का सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिलता है, बट यहाँ पर जिंक में ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है। एंड अगर बात करें दोनों की जो चार्जिंग क्वालिटी वगैरह की, तो दोनों की टाइम काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम डिवाइस है जो 12 वाट को मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते रहे, एक टाइप का फास्ट चार्जिंग आप सब बोल ही सकते हैं, बट जो नॉर्मल फ़ोन रहता है 10 वाट मैक्सिमम रहता है टाइप बी में, जो ओल्ड टाइप के फ़ोन आते थे। बट अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं टाइप सी में, तो 55, 60, 70 वाट तक भी, अभी तो लेटेस्ट 120 वाट का भी आ गया है, तो इसके अंदर आपको 12 वाट का ही मिलता है एंड यहाँ पर आपको 10 वाट का मिलता है। तो आइडियल आपके लिए जिंक होगा, क्योंकि जो मोस्टली डिवाइस रहते हैं वो 10 वाट को सपोर्ट करते, जैसे MI के को भी पुराने फ़ोन्स वगैरह हैं, बट 12 वाट के ऐसे बहुत ही कम डिवाइस रहेंगे जो 12 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते रहे। एंड आप दोनों ही चार्जर से अगर फ़ोन वगैरह चार्ज करेंगे, अगर जीरो से कर रहे हैं या फिर आप लाइक 5% या 10% से करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो फ़ोन है हीट होने वाला है, दोनों ही चार्जर से हीट होता है। एंड मैंने सर दोनों को चार्जर को टेस्ट किया है एंड दोनों से ही आपके जो फ़ोन वगैरह हीट होते हैं। तो अगर आपको इस फ़ोन वगैरह के लिए लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कंपनी का ही चार्जर यूज़ करें जो आपके बॉक्स अंदर से मिलता है। एंड हालांकि काफ़ी जो कंपनीज वगैरह है बॉक्स अंदर चार्जर अभी नहीं देती है। एंड जो दोनों की अनबॉक्सिंग का वीडियो है, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन से या फिर आई बटन से जाके देख सकते हैं। एंड इसका जो बेस्ट बाय लिंक रहेगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यहाँ से दोनों को परचेस कर सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ वो छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।